रविवार से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। शीतकालीन सत्र न केवल विधायी कार्यों के लिहाज से अहम होगा, बल्कि यह राम मंदिर के लिए दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा बनाए जा रहे दबाव को लेकर भी सरकार की परीक्षा लेगा। सत्र के दौरान राज्यसभा में 3 तलाक बिल पेश किया जाएगा, जो सरकार की फ्लोर स्किल की परीक्षा लेगा। गौरतलब है कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले ये आखिरी पूर्ण सत्र है, जिसके हंगामेदार रहने की पूरी संभावना भी है। इस दौरान विपक्ष राम मंदिर, राफेल डील, ध्रुवीकरण के प्रयास, वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ और ईवीएम जैसे मुद्दों को उठा सकता है।